नमस्कार। तो एक बार फिर आपका स्वागत है डीवी न्यूज में। एसडीएम ज्योति मौर्य की वायरल वीडियो के बाद अपनी पत्नी की कोचिंग छुड़वाने वाले बिहार के पिंटू से जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि उनकी शादी साल 2010 में खुशबू के साथ हुई थी। उस समय खुशबू ने सिर्फ मैट्रिक की पढ़ाई की थी। शादी के बाद जब उन्हें पता चला कि उनकी बीवी और पढ़ना चाहती है तो इसके लिए उन्होंने खुद उसकी मदद की। बक्सर के रहने वाले पिंटू ने बताया कि मैंने अपनी बीवी को 12वीं कराई, ग्रेजुएशन करवाई, फिर एमए की पढ़ाई भी करवाई। मैं भी चाहता था कि खुशबू और आगे की पढ़ाई करे और अपने सपनों को पूरा करे। जब खुशबू ने बीपीएससी की परीक्षा पास कर अधिकारी बनने की इच्छा मेरे सामने व्यक्त की तो मुझे काफ़ी खुशी हुई। मैंने तुरंत उसके इस फैसले पर हामी भर दी। उन्होंने बताया कि कोचिंग के लिए मैंने खुशबू को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज भेजा, लेकिन तभी एसडीएम ज्योति मौर्य का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद मैंने उसे वापस बुला लिया। मैं ज्योति के वीडियो से काफ़ी आहत हुआ था, क्योंकि जिस पति ने उसके अफसर बनने में मदद की उसी ज्योति ने अफसर बनते ही अपने पति को छोड़ दिया।